राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम थाना राजाजी में स्थित सेठ जी की छतरी पर प्रवचन के पांचवें दिन स्वामी राघवदास ने कहा कि जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है और परमात्मा जीवात्मा से अलग नहीं है। अंतर इतना सा है कि जीवात्मा के हृदय पर मल विक्षेप व आवरण का पर्दा चढ़ा हुआ है। यदि जीव भक्ति से इसे हटा सकता है तो दोनों आत्मा एक ही है। परमात्मा यानी कि श्रेष्ठ आत्मा इसलिए ही है कि तीनों गुणों से उठा हुआ वह किसी भी गुण में रत नहीं है और जीवात्मा रजोगुण सतोगुण व तमोगुण तीनों में किसी न किसी एक में तो बसता ही है, लेकिन परमात्मा इन तीनों से ऊपर उठा हुआ है। लेकिन कोई भी जीवात्मा इस स्थिति को भक्ति के माध्यम से भजन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। स्वामी ने नवधा भक्ति को भी विस्तार से बताया। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि प्रथम भक्ति संसंग कर संगा, इसी प्रकार क्रमश से नौ प्रकार की भक्ति को विस्तार से बताया। स्वामी वैराग्य स्वरूप ने एकादशी के व्रत का विस्तार से महत्व बताया। स्वामी ने बताया कि व्रत का मतलब है कि कोई संकल्प लेना। वेदों में स्पष्ट किया है एकादशी के दिन प्रभु का भजन करना चाहिए और उस दिन से ये संकल्प लेना है कि मुझे हर वक्त घर या बाहर का कोई भी कार्य करने के साथ प्रभु को जरूर याद रखना है। संतों ने अपने सभी कार्य को प्रभु को सौंप कर करने का भी महत्व बताया। स्वामी नित्यानंद ने कहा कि ऐसा करने से हर कार्य प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन वो कार्य सत्कर्म तक सीमित है।